हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल घुमक्कड़। और ये मेरे पीछे मेरा भाई है अभिनव नौटियाल, मैं प्रांजल आपका स्वागत करते हैं। और आज हम ट्रैक करने जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं ट्रैक करने? झड़ीपानी फॉल। झड़ीपानी फॉल। हम पहले यहाँ से बाइक से आएंगे। बाइक से कहाँ से जाना है? शहनशाही आश्रम तक, राजपुर रोड से ऊपर। बाइक से हम शहनशाही आश्रम तक जाएंगे और उसके बाद मेरे को अभी बताएगा अभी कहाँ कहाँ जाना है, पूरा प्लान क्या है। हम निकलेंगे यहाँ से राजपुर रोड शहनशाही आश्रम, वहाँ से हम अपनी बाइक पार्क करके ट्रैक में जाएंगे। मसूरी का ट्रैक है ये बहुत ही पुराना ट्रैक है। यहाँ पे पहले अंग्रेज लोग यूज करते थे इस रोड को मसूरी जाने के लिए। आज हम उसी जगह जाएंगे। और ये बैकपैक कर लिया है हमने, और इसमें क्या, एक पानी की बॉटल? पानी की बॉटल रखी है और कुछ नहीं, क्योंकि पानी की बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी ट्रैक में जाए। आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना होगा क्योंकि आपका वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और बाकी कुछ नहीं, बैग रख रहे हैं ताकि कुछ अगर हम करके वहाँ पे लोकल शॉप्स हैं वहाँ से हमको चिप्स और चॉकलेट्स जो देने के हम दे देंगे। बाकी चाबी हमारे पास हम चलने के लिए चलो। ये हमारे दोस्त कोठारी की बाइक है जो कभी स्टार्ट नहीं होती है। इसको कह रखा है कि सर्विस करवा लिया घर भाई। ये कभी लड़का सर्विस नहीं करवाता और अब हमें धक्के मारने पड़ रहे हैं। और अब हम धक्के मार के इसे स्टार्ट करेंगे पहले। और ये हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है। ये हमारी बाइक फिर से रुक गई है और स्टार्ट करने का तरीका इसको क्या मार गया। तो बाइक में बार बार दिक्कत होने के कारण हमने फैसला किया कि यार चलो अब ये बाइक तो नहीं ले जा सकते, हम कार से चलते हैं। तो हमने कार उठाई और कार से ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। और जिस एरिया में हम चल रहे हैं ये है आपकी तिब्बती कॉलोनी, थोड़ा हाइट पे है। तो जैसे आगे जाके गली सही हो जाती है, नीचे लेवल पे थोड़ी सी पतली है। और ये ट्रैक हमारा आने वाला है, हम पार करेंगे थोड़ी देर बाद। कितने मिनट रहते हैं अभी यहाँ से? 5 मिनट में हमारी गाड़ी पार्क हो जाएगी और उसके बाद हम करेंगे ट्रैक स्टार्ट। और ट्रैक कितने किलोमीटर का है? 6 किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर का ट्रैक है, छोटा है पर प्यारा है, बहुत अच्छा। उसके बाद हम आगे 2 किलोमीटर एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हमें झड़ीपानी फॉल देखना है तो। प्रॉपर झड़ीपानी फॉल ही करेंगे। वहाँ पे आप पहले भी जा चुके हैं, उस समय आप अपनी वाइफ और अपनी बेटी को अकम्पनी कर रहे थे। exactly. भाभी और लाडो थी, घुमक्कड़ टीम की मेन लीड हीरोइन। अब यहाँ पर मैं आपको देहरादून की सबसे फेमस चीज़ बता रहा हूँ, एक बहुत ऊपर है, काफ़ी ऊपर है। यहाँ पर चाचा की दुकान है और मेरी राइट में है ये। और यहाँ पर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में आप देख लो चाय की चुस्के लेने का मज़ा, आनंद उठाने लोग यहाँ पर सुबह सुबह आते हैं। और लेफ्ट में हाथी भाई की दुकान है और यहाँ पर भी आप सुबह सुबह चाय की चुस्की ले सकते हैं। शायद ये भाई भी मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। हाँ, इनको पार्किंग मिली और इन्होंने अपनी कार पार्क कर दी। हम काम करने वाले हैं पार्किंग, हम भी किसी जगह देखते हैं पार्क कर देंगे। आगे चलिए, बथेरी रोड मिलेगी, यहाँ भी कर सकते हैं मगर आगे चलिए। अभी से क्यों ट्रैक अपना खराब कर, हम कार पार्क करने जा रहे हैं। पार्क कर लिए और हम चलने वाले हैं ट्रैक के लिए। आगे देखो वो दो लोग जा भी रहे हैं, ट्रैक लोगों ने शुरू कर दिया, हम ही थोड़ा लेट लग रहे हैं मेरे को लग रहा है। अब हम टाइम से पहुँच ही गए हैं चलेंगे। ब्रेथ टेकिंग व्यू, और ये ट्रैक कवर करना है हमको ऊपर जाते हुए, पूरा बहुत ही मज़ेदार है। मस्त ठंडी सी प्यारी सी हवा चल रही है और गाड़ी हमने पार कर दी है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। पानी रख लिया
पहुंच चुके हैं, वो देखिए। और अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ट्रैकिंग शुरू स्टार्ट करी थी, अब काफी लोग आने लग गए हैं और वो गाड़ी हमारी खड़ी है ब्लू कलर की। अब लोग शुरू कर रहे हैं ट्रैक और हमसे आगे भी बहुत लोग हैं। और ये ट्रैक हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ब्रिज स्ट्रोक लेके करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा मजेदार व्यू सबसे सुंदर ये है। तो गायब हो गया अचानक ही, इसको ट्रैक करते रहना हमें। और हम काफी ऊंचाई पे आ गए हैं, इतने ऊंचे आ चुके हैं कि वापस जाना नामुमकिन। चलते रहेंगे और टॉप पॉइंट तक पहुंचने के बाद हम आपको दिखाएंगे मजेदार मस्त व्यू। हमको वहां पहुंचना है ऊपर और उससे भी ऊपर। आपको दूंगा बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन है, जो सामने जो टनल दिख रही है वो टनल आपकी देहरादून से मसूरी तक का रेलवे ट्रैक स्टार्ट किया था। मैं आपको थोड़ा सा जाके दिखाऊंगा। और ये वो रेलवे ट्रैक था जो अंग्रेजों ने बनाया था, फ्रॉम देहरादून टू मसूरी बनना था इसे, और ये बीच में ही रोक दिया गया। ये पूरी टनल है, अब यहाँ से जाया जाएगा ऊपर वापस। हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऊपर आ गए अपने पार्किंग पॉइंट से, और ठीक मेरे लेफ्ट साइड में जो आपको दिखेगा वो जो पॉइंट है वो शिखर फॉल है, वहाँ से पानी की आपको आवाज़ सुनाई देगी। मज़ेदार है, अभी हमें और ऊपर चलना है, यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता और है, थोड़ा पथरीला है पर मज़ा आएगा आपको, एंजॉय। नेटवर्क चले गए हैं और मोबाइल बीज। मजेदार है, हल्का 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 हल्का। ये ट्रैक है पूरा, अब ये रियलिटी ऑफ ट्रैक है। अभी तक आपने केवल वो एरिया देखा था जहां तक आप कार पार्क कर सकते हैं, उसके बाद ये रास्ता कुछ ऐसा हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, केवल पानी लेके चलिए, पानी ज़रूर रख लीजिएगा, जितना ज़्यादा बाहर लेके चलोगे सफ़र का मज़ा उतना ख़राब होता है। सो और यहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है पानी का, तो इसलिए वाटर आपको घर से कैरी करके ले जाना है। ये जो ट्रैक है ये सीधा एक जाता है आगे किसी गांव में, बट हम ये टर्न लेंगे यहाँ से, ये डाइवर्जन मतलब आप समझिए पहाड़ों का डाइवर्जन, और यहाँ से ऊपर जाना है, मैं ऊपर जाके उस ट्रैक की तरफ चलेंगे। और काफ़ी ट्रैक करके हम उस साइड पे आ गए जहाँ से आपको मसूरी जाने वाला शिव मंदिर दिखेगा, तो हम इस साइड पे हैं, सामने आपके शिव मंदिर है, और शिव मंदिर से ये ऊपर अब मिल जाएगा रास्ता, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये शिव मंदिर है आपके जस साक्या कॉलेज। और अब हम यहाँ से थोड़ा और ऊपर चढ़ेंगे।
तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर ट्रैक करके हम झड़ीपानी डाइवर्जन पे आ गए हैं। मेरे ठीक पीछे ये जो आपको कैफ़े दिख रहा है, झड़ीपानी कैफ़े है। और अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे, ये रास्ता नीचे जाता है झड़ीपानी के लिए। से हाय अभी, और यहाँ से हम झड़ीपानी का ट्रैक, अब नीचे का है पूरा चढ़ाई। पहले 5 किलोमीटर चढ़ना है, फिर 3 किलोमीटर स्टीप फॉल डाउन है, नीचे उतरना है पूरा 3 किलोमीटर। तो आप ही समझ लीजिए लौटते हुए 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है, 5 किलोमीटर ढलान मिलेगी आपको। सूरज काफ़ी तेज़ हो गया है। तो ऑलमोस्ट हम पूरा ट्रैक करके झड़ीपानी पहुंच ही गए हैं। ये थोड़ा सा और उनको पैच कवर करना है जो हम दौड़ के करने वाले हैं। पहुंच गए झड़ीपानी, ये सेकेंड स्ट्रीम है झड़ीपानी की जो ऊपर से आ रही है, और हमें वो ट्रैक ऊपर पूरा चढ़ना है। ये ट्रैक पर वो ऊपर जाएगा और ये ऊपर चढ़ना है। और जब बरसात में, खासकर बरसात में पानी ऊपर तक लेवल तक रहता है, पूरा डूब डूब के जाना पड़ता है। अगर आप बरसात में तो कोशिश करिए मत ही आइए, एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो अब हम, मैं जिस ऊंचाई पे बैठा हूँ, मैं काफ़ी ऊंचाई पे बैठा हूँ, जूते बचाते हुए इधर से जा, इधर से, पर नहीं, इधर से खतरा है। इस वाले पत्थर को तो यूज़ नहीं करने वाले हैं क्योंकि इधर से ज़्यादा खतरा है, पर कर सकते हैं अभी इस वाले पत्थर को यूज़। उस वाले पे, उस पर हाथ रख के, बैग मेरे को दे दे पहले, बैग से तो सपोर्ट है पूरा। हैं, इस वाले पत्थर को आराम से, पहले मैं जा रहा हूँ, रुक जा फिर। ना ना ना, रुक जाओ, सपोर्ट बना के जाइयो, पैर रख दूसरा पहले, राइट वाला। रिस्क ज़्यादा काफ़ी है और हमें ये पत्थर यूज़ करना है वहाँ जाने के लिए। रुक जा, मैं जा रहा हूँ, पहले इसे पकड़। ना ना, पहले और दूसरे की बात नहीं है, सीधा जम्मत लियो पहले इसे। पत्थर स्लिपरी है, होने के कारण रिस्क नहीं ले सकते। वहां से नहीं, वहां से कहां जा रहे हो? सर 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 बचा के, सर बचाते हुए, स्ट्रेचिंग करते हुए चले गए अंदर। अब कैसे है? अब तो जा सकते हो कहीं से भी। ऊपर चलना है ना? हाँ, जाओ जाओ, आप जाओ। अब ये ट्रैक और ये पूरा करके हम आ गए हैं मेन वाटर स्ट्रीम में। आपकी वो मेन वाटर स्ट्रीम है, तो दोस्तों ये ट्रैक हमने करा था 6 बजे स्टार्ट, और ऑलमोस्ट 8:30 हो रहे हैं अभी, और ये ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का ट्रैक है हमारी तरफ से। तो स्पीड में अगर आप कंटिन्यूस करते हैं और थोड़े पिक्स, फोटोग्राफी, वीडियो शूट करते हुए चलते हैं तो 2.5 घंटे अप्रॉक्स लग जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं तो वही ट्रैक आपका 3 घंटे का हो जाता है, और अगर आप ज़्यादा ही नेचर लवर हैं तो आप और ज़्यादा फ़ोटो पिक्स करते हुए, फ़ोटो खींचते हुए आ सकते हैं। बट हाँ, मैं ये सजेस्ट करूँगा एक बार ये ट्रैक ज़रूर करिए,
अगर आप देहरादून विजिट करते हैं और आप NCR दिल्ली वाले तो आते ही हैं तो उनके लिए उन्हें आना ही चाहिए और बहुत ही अच्छा ट्रैक है। आप बाइक भी यहाँ तक पहुँच जाती है बट आई विल प्रीफर कि आप बाइक से ना करके ट्रैक करें। और जब भी आप यहाँ पे आए मेक श्योर आप यहाँ को लिटर ना करें और अगर कोई आपको कूड़ा दिखे तो उसको जरूर उठाएं। जैसे हमने अपने बैग में जो भी यहाँ पे कूड़ा था जितना भर सकते थे हमने भर लिया है। थैंक यू। होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। बाय बाय।